दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भूलने की आदत तो हम सभी को होती है और ऐसा मोमेंट तो सभी के लाइफ में कभी न कभी आया ही होगा जब किसी इम्पोर्टेंट चीज को हम कहीं पर रख कर भूल जाते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो चीज हमें कभी याद नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे BTS के मेंबर सुगा के साथ, जब वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को भूल गए थे और वो थी उनकी पर्सनल स्टूडियो की पासवर्ड, जिस कारण सुगा पूरे 4 दिनों तक स्टूडियो के बाहर बैठकर पासवर्ड याद करने की कोशिश करते रहे थे। दोस्तों, ये इंसिडेंट हुई थी BTS के वर्ल्ड टूर के ठीक बाद। वर्ल्ड टूर पे जाने से पहले सुगा ने अपनी स्टूडियो जीनियस लैब की पासवर्ड को चेंज कर दिया था और वर्ल्ड टूर के दौरान वो बहुत सारी आर्मीज से मिले, बहुत सारी प्यारी प्यारी इंसिडेंट हुई और एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टाइम उन्होंने वर्ल्ड टूर के दौरान स्पेंड करा था। और जब वो वर्ल्ड टूर से वापस आए और अपने स्टूडियो गए, तब उन्हें पता चला कि वो अपनी स्टूडियो की पासवर्ड को भूल चुके हैं और 4 दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें स्टूडियो की पासवर्ड याद नहीं आई। इसके साथ ही दोस्तों, सुगा की स्टूडियो की पासवर्ड सुगा के अलावा और किसी को भी नहीं पता थी। इनफैक्ट सारे BTS मेंबर को भी सुगा की स्टूडियो की पासवर्ड नहीं पता थी और सुगा परेशानी में हो और सारे BTS मेंबर उनकी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सारे BTS मेंबर्स ने मिलकर सुगा को पासवर्ड याद दिलाने में काफी ज्यादा मदद करी थी और ये पिक्चर उसी दौरान ली गई थी, पर एट द एंड वो सभी नाकाम रहे और 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सुगा ने हार मान ही ली और फाइनली लॉक ओपन करने के लिए उन्हें प्रोफेशनलिस्ट को बुलाना पड़ा था। और इसके बाद सुगा फाइनली अपने स्टूडियो जीनियस लैब के अंदर जा पाए थे पूरे 4 दिनों के बाद। और ये सच में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट थी सुगा के लिए, क्योंकि इस तरह पूरे 4 दिनों तक सुगा अपने स्टूडियो के बाहर बैठकर पासवर्ड याद करने की कोशिश करते थे। बेचारे हमारे सुगा, ये उनके लिए सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भरा होगा। और इस इंसिडेंट के बाद सुगा ने अपनी स्टूडियो की पासवर्ड सारे BTS मेंबर्स को बता दी ताकि फ्यूचर में उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट कभी ना हो। और इसके बाद सुगा के लाइव स्ट्रीमिंग में सारे BTS मेंबर्स ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान भी करा था, क्योंकि अब वो सुगा के स्टूडियो के अंदर आसानी से आ जा सकते थे क्योंकि सुगा के जीनियस लैब की पासवर्ड अब सारे BTS मेंबर्स को जो पता चल गई थी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है? क्या आप भी कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज को भूल गए हो? हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।